जॉन भाइयों, आज हमारे साथ में एक खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में है कैप्टन राजेंद्र सुहाग जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं, झज्जर से हैं और पिछले सालों में आप लोगों ने इनका खूब नाम देखा होगा, फोटो देखे होंगे, संघर्ष में देखे होंगे। और एक ये भी है कि आज तक भारतीय देश के इतिहास में अगर कोई माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले तो कैप्टन राजेंद्र जी मिले, और एक बार नहीं तीन बार, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी से हो, चाहे माननीय राजनाथ जी से हो, तो कैप्टन जी मिले। इनकी एक खास चीज़ और मैं बता दूं कि इन्होंने कभी भी, ये कैप्टन होने के बाद में कभी भी इन्होंने अपने रैंक की बात नहीं करी, हमेशा सिपाही रैंक की, होल्डर रैंक की बात करी और कभी उनसे सलूट लेने की कोशिश नहीं करी। ये खुद ही सलूट देते हैं, कभी ECHS में चले गए, CSD में चले गए, मतलब इन्होंने बहुत जागरूकता करी जवानों को समझाने के लिए कि भाई तुम्हारे अपने हकों के लिए, कि हमारे ये हक हैं। इन्होंने मुद्दों की लड़ाई लड़ी और वो भी संविधान के दायरे में। फालतू मैं इनके बारे में तकरीबन जो भाई जानते हैं और मेरे हिसाब से तो इनको पूरा देश भी जानता है। और अभी मैं फिलहाल बताऊं तो इन्होंने पिछले कई दिनों से इन्होंने संस्था छोड़ दी। तो क्यों छोड़ दी संस्था और क्यों इन्होंने अभी जवानों से दूरी कर ली, इस बारे में भी हम इनसे पूछेंगे और कुछ कड़वे सवाल भी हैं जो इनसे पूछेंगे। मैं पहले तो कैप्टन राजेंद्र जी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। मैं साहब, आप भी एक बार जय हिंद बोलते हो सभी। मैं अपने जवान देशियों साहिबान को, सबको जो है, और मेरे उम्र में छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, बड़ों को मैं जो है प्रणाम करता हूँ, छोटे भाइयों को जो है प्यार देता हूँ। आज मैं लगभग 5-6-7 महीने हो गए पहली बार जो है इसमें लाइव आ रहा हूँ। इससे पहले कई बार आया हूँ मगर जो है मैं रहा करता, अभी जो है क्या हुआ जो है कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थोड़ी सी, इस कारण भी मैं थोड़ा हट गया। दूसरा, मैंने देखा कि हमारे जवान देशियों से खासकर किसी भाई से उनको बारे में कुछ बताते भी हैं, भाई आप लोग साथ दो, तो हमने लगभग 20-30% ज़रूर जागरूक हुए हैं हमारे जवान देशियों, मगर अब भी इनकी वही कुर्सी बिछाने वाली और भाई जो है चाहे चद्दर बिछाना रही है वही जो है चमचागरी इनकी नहीं छूटती। मगर क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं छोटा सा देता हूँ आपको। अभी हमारा जो है ना शुरू में हमने ही शुरू कराया था, आपको लोगों को मालूम है हरियाणा एक सर्विस लीग का चुनाव हुआ था और उसमें देखो हम तो ना कोई मैं डेलीगेट था, ना कुछ और था, ना अपना पर्सनल कोई लालच था भाई मैं तो उठ बनकर पता नहीं क्या कर दूंगा। हमने यही कही थी भाई कि आप लोग जवान जेसीओ जी इस HESL में जितने भी अध्यक्ष हैं और हैं सेक्रेटरी है ये है, जब तक हमारे जवान जेसीओ अंदर नहीं घुसेंगे तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आप लोग ऐसे ही घूमते रहोगे। चलो, हमारे कुछ बहुत ही कड़वे सवाल हैं, जितने भाई जुड़े हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, ऊपर मेरे को दिख रहे हैं जो भी भाई जुड़ गए हैं जवान भाइयों, और भाई शेयर कर देना क्योंकि ये जाने चाहिए, बहुत ही कड़वे सवाल हैं। आप पिछले कई सालों से जवानों की मांगों को उठा रहे थे तो अब आप पीछे क्यों हट गए, क्या मजबूरी होगी कि आप पीछे हट गए, बहुत ही थोड़े शब्दों में उत्तर चाहता हूं मैं साहब आपका। मैं जो है आप लोगों को लगभग भाई लोग आप लोग जानते होंगे, मैं ORP में भी लगभग जो है एक साल तो लगातार मैं कंटिन्यू जाता ही रहा था उधर, जो आप लोगों को मालूम है, क्योंकि उधर जो है स्टेज को भी कवर करता था, सारी चीज़ें होती, मैं जो है माइक वाइक संभालता, सारी चीज़ करता था और बोलता भी था, मगर उस टाइम हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। अब क्या बात हुई, अभी आप ये बताओ, आप अभी जवानों से, ये भाई सोसाइटी के नेशनल एडवाइजर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और पंजाब में इन्होंने पूछाया है तो वो वहाँ से भी मेरे पास में मैसेज आया कि भाई कैप्टन राजेंद्र साहब इतने सक्रिय थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो साहब आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप तो सिपाही और होलदार को सलूट मारनी थी, अब तो कैप्टन रैंक से थे, हमेशा आप तो जुबान पे रहते थे कि मेरे सिपाही, मेरे होलदार, ये तो सबसे रीढ़ की हड्डी है फौजी में। देखो भाई साहब, आप लोग जेसीओ वार्स के लिए मेरा झगड़ा भी हुआ था जो है जनरल सतबीर सिंह से, मैंने वहाँ से इसीलिए छोड़ा गया था कि मैं भाई अपना जवान जेसीओ की अलग से एक संस्था बनाए, उससे जुड़ेंगे हम, जवान जेसीओ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो उधर तो हमें जो है धोखा मिला था। हमें भी बाद में पता चला कि भाई जो भी ये ORP का जो संघर्ष चल रहा है
ओनली फॉर ऑब्सर्च के चल रहा है। इसका आपके साथ में प्रूफ भी है। अभी इसमें बताऊँ पूरा भाई किसको कितना मिला क्या मिला, इसमें तो बहुत लंबा जाए छोड़ा पड़ेगा, ये वो पड़ जाएगा। मगर उसमें आप लोगों ने मालूम है लगभग जो आजकल सब पढ़े लिखे, आजकल नेट पर है सब कुछ, आप मारो पता करो किसका कितना बढ़ा है क्या बढ़ा है किसको बेनिफिट हुआ, आप लोगों सबको मालूम है। इतना लंबा में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। मगर उसमें बेनिफिट सिर्फ ऑफिसर को हुआ, हमारे जवान जैसे होना जैसे तो बिल्कुल गड्ढे में डाल दिए गए। अभी जो बिल्कुल गड्ढे में, आपने आप जवानों की लड़ाई से पीछे क्यों हट गए? जवान जैसियों को कि समर्थन नहीं मिला हमें, एक तो जो है भाई तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा हमें समर्थन नहीं मिला। किसका नहीं मिला? होलदार का नहीं मिला, सिपाही का नहीं मिला? खासकर हमारे जैसियों का तो समर्थन का कोई मतलब, ये आप भी अफसर के पीछे ही खड़े रहते, उधर ही खड़े रहते हैं। कौन रहते हैं पीछे खड़े? खासकर जैसियों, हमारे जैसियों जो है ना अफसर के पीछे ही खड़े रहते हैं। अगर उनसे हम बात भी करते हैं, बोला साहब हमें तो जमीन के बगैर हम चल ही नहीं सकते, हो नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। जैसे जो खासकर अपने आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत से आदमी जैसे आप लोग भी जानते हैं भाई फौज में जैसे कैसे बनते हैं, खासकर इन्फेंट्री में बुरा ना माने तो इसमें बुरा मानने की जरूरत है भाई। देखो हर जगह से सिविल हो चाहे बेल्ट की नौकरी जहाँ भी आ गई, आप बुरा क्यों मानेंगे? आप कहते रहो जो बुरा माननी है, जिसने जिस पे लगेगी वो बुरा मान लेगा। आप लोगों को मालूम सिविल में मतलब बेल्ट की नौकरी में है जो है जो अपना प्रोफेशन जानता है अच्छा करता है उसको आगे कभी बढ़ने नहीं दिया जाता, आगे वही बढ़ते हैं जो सीओ साहब की या उनके चमचागिरी में रहेंगे या उनकी हाँ में हाँ करेंगे ना में ना करेंगे, वो जो है आगे कामयाब बनेगा वही बनेगा। हालांकि मैं देखो ऐसी बात नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, कुछ आदमी ऐसे सभी को नहीं कह सकते कि सभी में एबिलिटी नहीं है, एबल भी बहुत है, जेसीओ भी बहुत एबिलिटी में है और जो है हमारे एनसीओ भी बहुत हैं, हमने एनसीओ को देखा है। ये बताओ साहब जो सूबेदार हैं, आपने सीधा सवाल सूबेदारों पर दाग दिया, ये जितनी एसोसिएशन है जैसे भाई इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है या मूवमेंट है या कोई एयरफोर्स की है नेवी की है, इनमें तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष होते हैं ऑल इंडिया में कहीं के बनाते हैं, ये सूबेदार और कैप्टन होते हैं, तो ये जवानों के लिए इन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? नहीं जे वही इसीलिए मैं पीछे हट गया, क्योंकि देखो जवान तो हमारा साथ नहीं दे रहे, मेन प्रॉब्लम ये है। लोगों को पता नहीं एक साइकोलॉजिकल ला लो कुछ भी, जो जेसीओ एक ऐसा रैंक है वो ना धोबी का ना घाट का कहीं का भी नहीं है, ना तो उसको अफसर वैल्यू देते और ना नीचे वाले जवान वैल्यू देते। क्यों नहीं देते? इसका उसका कारण ये है, इनको जो है सिर्फ उनका वेलफेयर देखो तभी तो आपको वैल्यू देंगे। बहुत बहुत बढ़िया। जब आप उनको वैल्यू नहीं दोगे तो आपको वैल्यू क्यों देगा? क्योंकि देखो हमारे उस्ताद ने एक चीज सिखाई थी, अगर आप जो है अपने से नीचे वाले की इज्जत करोगे तो आपके और डबल इज्जत देंगे, आपको डबल इज्जत करेंगे। अगर आप जो है ना ऊपर वाले की तो चाहे भाई बाई ऑर्डर कर लो चाहे वैसे करो, उनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। पर हमारा हमने एक बेस रखा था, मैं उस्ताद ने भी सिखा था कि भाई अपने से नीचे वालों की वैल्यू करो, उनके पॉइंट जो होते हैं उनको आगे उठाओ, उनके लिए संघर्ष करो। हमने कोशिश की उनके संघर्ष करने की पूरी कोशिश की। ये बहुत बढ़िया बात बोली है कैप्टन साहब ने कि जो सूबेदार हैं वो अपने जवानों के बारे में नहीं है, मतलब वो रिटायरमेंट आने के बाद में भी डरते हैं वे, मतलब रिटायरमेंट आने के बाद में भी वो इधर उधर ही रहते हैं, वो जवानों को संगठित करके संविधान के दायरे में रह के अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाए, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाते रहते हैं कहाँ झंडे उठाए रहते हैं। अभी एक बात और भी हुई, आप लोगों ने भी आपने भी देखी होगी, एक अर्ध सैनिक बल का एक डेलीगेशन जिसके अंदर सूबेदार थे वो माननीय राष्ट्रपति से मिला है, ये 75 साल में पहली बार हो गया है कि जो पैरामिलिट्री का जो एक डेलीगेशन था, ये अभी की बात है 5-6 दिन पहले की ही, मैं उसके ऊपर बाद में लेके आऊंगा कि वो माननीय राष्ट्रपति से मिला है, उसमें सारे के सारे सूबेदार रैंक के आदमी थे जो उनके होते हैं जो पैरामिलिट्री में जो उनको बोलते हैं इंस्पेक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब मैं उनको सलाम करता हूं कि वो भी सूबेदार हैं। और यहां पर क्या है कि भाई एक संविधान के दायरे में हर आदमी को अपना हक है कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए। मैं साहब से एक और भी पूछूंगा सब, बहुत ही थोड़े उसमें देना शब्दों में, ये क्या ये सच है कि एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एक रैंक एक पेंशन में आपकी सक्रिय भूमिका रही, जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रही, आपने वहां पे क्या काम किया था उसमें, आप क्या करते थे वहां पे? देखो लगभग साल भर तो मैं कंटिन्यू रहा हूँ 2015 में लगभग रहा, ज्यादा दिन भी रहा हूँ, मगर जो है उसमें क्या था, जैसे उधर तीन ही चीजें बोली जाती थी कि भाई जो है यही मंदिर है यही गुरुद्वारा है यही मस्जिद है, और हम सबसे पहले हमारी विडोज बहनों का
उसके बाद में जवान जवान का, उसके बाद जैसे और वो बाद में ऑफिसर का पॉइंट होगा, उसने उसको आगे लाएंगे। पहले हम इनका जन कोशिश करें कि इनका सब कुछ बढ़े। अरे हुआ क्या? मगर हुआ क्या? एकदम से उल्टा। नहीं, पहले पे कौन आया फिर? सबसे पहले ऑफिसर को मिला, उसके बाद में जो है जैसे उसको तो छोड़ो, मिला ही नहीं कुछ भी। आपको सबको मालूम था, सब पढ़े लिखे हो, 298 रुपये जैसे ओ आर पी में 298 रुपये सिर्फ जो है सूबेदार को जो है बढ़ा था, अभी लगा लो। और विधवाओं को? और विधवाओं को तो मिला ही नहीं। ये तो सब बहाना है, झूठा है। अगर भाई कोई ज़्यादा नॉलेज रखता हो तो मेरे को बता दे, मेरे को भेज देना, मेरा नंबर आप लोगों को मालूम है। अगर विधवा को ये जनता बेनिफिट हुआ है और ये बात आपको पता नहीं है, हालांकि मेरे को मालूम है, फिर भी भाई देखो सभी नॉलेज सबके पास नहीं होती है। पर मेरे विचार में तो मेरे पास ये कॉपी पड़ी है पूरी की, जो मैं एक एक चीज़ नोट करके लाता हूँ। जो मेरे को पास नहीं है मैं RTI के थ्रू मंगा लेता हूँ। देखो सभी नॉलेज मैं RTI के थ्रू मंगा लेता हूँ, तो RTI के देखो चल जाओ। देखो भाई साहब है ना, पूरी फाइल लेके बैठे, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये ग्राउंड वाले कैप्टन है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मेरे को भी नहीं मालूम। मैंने इसको बोला कि एक बार MMG की चाल बता दो, इन्होंने चाल बता दी। मैंने यूनिट की स्ट्रेंथ पूछी, इन्होंने स्ट्रेंथ बता दी। वाह की वाह, करेक्ट बता दी इन्होंने। मतलब ये ग्राउंड पे, नहीं तो आधे तो हमारे ऐसे हैं कि वो अभी जैसे CSD ECHS में हमारे को मिल जाते तो उल्टा हाथ का सलूट मारते हैं वे। मतलब उनको ये नहीं मालूम कौन से हाथ का मारते हैं सलूट। तो ये भाई ग्राउंड पे है। दूसरी बात साहब, छोटे अक्षरों में आपने बहुत सी चीज तो ऐसी है जो हमारे अब नए JCO है, मेरे को कई मिले हैं जिनसे मैं मिला भी है। अगर उनसे यूं भी पूछ रहा हूँ ना, भाई SLR में कितनी गोलियां जो है भरी जाती हैं, उनका कितना वेट है उसका, है उनको कैसे ओपन किया जाता है, अरे लगभग मेरे ख्याल से 80% को तो मालूम ही नहीं है। सिर्फ जो है तो जैसे बन गए, वो कैसे बन गया अकाउंट से, मतलब जो भाई चलो उनकी किस्मत कैसे बना, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, ठीक है अपना अपना जो नो वैल्यू है। मगर कुछ तो आदमी में एबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे को अगर मेरा प्रोफेशन, अगर मेरे को प्रोफेशन ही नहीं आता तो मैं हर जगह गाली खाऊंगा। सीधी बात तो ये है, अगर वही बोल सकता है आगे भी, जो ऑफिसर के सामने भी वही खड़ा हो सकता है जिसको अपना प्रोफेशन आता है। मतलब साहब का सीधा ये है कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में एक सिविलियन एज पर सभी, और जो हमारे सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरेडी हैं, उनकी बड़ा ही सम्मान करते हैं जवान। वो आगे आके जवानों का नेतृत्व करके और संविधान के दायरे में रह के अपनी केंद्र सरकार तक मांग क्यों नहीं पूछाते? अभी वो खड़े कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? रिटायर्ड ऑफिसरों के पीछे। अरे भाई आप रिटायर्ड ऑफिसरों के पीछे खड़े हो तो मांग उसमें ऑफिसर आगे लेके जा रहा है, तो वो मांग किसकी लेके जा रहा है? वो तो खुद की लेके जा रहा है, क्योंकि आप तो पीछे खड़े हो, आप तो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। अगर एक आप आगे आके खड़े होंगे और जवान आपके पीछे खड़े होंगे तो आप मांग भी अपनी ही लेके जाओगी। यही है सर, यही है। दूसरा देखो ऐसा है, जैसे हम कैंटीन में भी जाते और जगह भी जाते, हमने यही कह रखा है, मैनेजर भी मानते अच्छे, अभी सभी है बुरे नहीं होते, अच्छे आदमी होते हैं। अभी उनको हम ये कह रहे कम से कम रिटायर होने के बाद तो आप ये भूल जाइए कि आप OR हैं या JCO, इस चीज़ को आप भूल जाइए, आप सीनियर सिटीजन हैं। अभी चाहे ऑफिसर हो चाहे जनरल हो, हमारा तो नहीं एक ही व्यू रहा है। देखो हमसे उम्र में जो बड़ा चाहे वो सिपाही हो, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारा बुजुर्ग है, और ये हमें कोई मतलब ब्रिगेडियर भी अगर हमें छोटा तो हम जो उसके ये मतलब नहीं उसके पीछे घूमते रहे, नहीं, पहले सीनियर सिटीजन हम हैं। सीनियर सिटीजन का अगर वो रिस्पेक्ट देता है तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, अदरवाइज हो चाहे जनरल हो चाहे मेरी तरफ से कितना बड़ा आदमी हो। साहब को यहाँ तकरीबन सब जानते हैं, और साहब का एक चीज है, ये कभी भी ये नहीं देखते कि इनके पीछे कोई लाखों की स्ट्रेंथ है। अगर जहाँ गलत होगा चाहे सामने वाले के सामने, चाहे वहाँ पे 50 की भीड़ हो, इन्होंने वहाँ पर गलत का विरोध करा, चाहे कहीं भी हो, चाहे CSD हो, ECHS हो, कहीं भी हो, कहीं भी ये चले जाते अपने हक को लेके आते हैं। ये बोलते हैं मैं अपने हक को, अपनी लाइन खराब नहीं करूंगा, जो मेरे साथ में गलत हो और मैं उसको सहन करके आ गया तो आने वाले में होगा। और ये हमेशा भाई संविधान के दायरे में रह के ही लड़ाई है। साहब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, एक आप आए दिन देखते होगे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो आती है, 1 rank 1 pension, मिलिट्री सर्विस, जवानों को मिलेगा लाखों रुपया, जवान उड़ने लग जाएंगे हेलीकॉप्टर में, जवानों की जवान पूछ जाओ बैंक में जोड़ा लेके, बैंक से भर लाओ पैसा। ये किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, ये कौन आदमी है? ये भाई जो यूट्यूब पर अभी देखा मैं कम से कम 10-12 तो हमारे फौजी ही है। अच्छा, जिन्होंने मतलब ये यूट्यूब का जो चैनल खोला हुआ है, और इसमें अभी सिविलियन भी कई आगे, और डेली उनकी न्यूज में डेली आप ओपन करो, डेली में उसमें मिलता है जवानों की बल्ले बल्ले, JCOs की बल्ले बल्ले, इसको 10,000 रुपये का बेनिफिट जाएगा, एरियर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं उनको जो है गाली देता हूँ, सीधी बात मैं गाली देता हूँ कि साले झूठ क्यों बोल रहे हो।
या तो उसके साथ में लेटर इशू करो, साथ में भी अकॉर्डिंग टू लेटर नंबर 100 ये जन फलाने जगह लेटर है, इसका जन सेंक्शन हुआ है, ये आपको ये आगे मिलेगा। ऐसे देते फिर हमारे जैसे भी अनपढ़ बहुत से उनमें उनमें क्या करते हैं, उसको लेके हमारे पास मैसेज कर देंगे, दूसरे के पास मैसेज कर फिर फोन करेंगे, साहब हमने सुना के इतने 1000 रुपये मिल रहे हैं, इतना बढ़ रहा है। अरे बेकूफो, कम से कम तुम ये लोग तो खुद तो अकल होनी चाहिए। मतलब राजी खुशी की बात नहीं पूछेंगे और वो वीडियो देख के फोन करेंगे कि साहब इतना पैसा बढ़ रहा है, इतना पैसा बढ़ रहा है। मैं तो ये सीधे यही बोलता हूँ कि बैंक में पूछ जाओ, जोड़ा लेकर डाका मार लो। भैया आपके पास ने जिसने भी मैसेज भेजा या टेलीफोन किया, आप उसी से टेलीफोन करके क्यों नहीं पूछते, भाई तेरे को ये कहाँ से मिला, तुम कहाँ से दिख रहा है, इसको कैसे भेज रहा है तू, अगर भाई इतना बढ़ जाएगा, आपके पास कोई प्रूफ है इसका? भाई प्रूफ के बगैर जो है कोई मतलब नहीं है, ऐसे जो दे देते पर हमारे 90% उसी में खुश हो जाते हैं। ये सब जो है कुछ तो पार्टियों के नेता बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, जैसे चुनाव नजदीक आएगा तभी जो है शुरू कर देंगे गोदी मीडिया जो ये फैलाना शुरू कर देंगे, फैला देंगे कि भाई जो ना जवानों को इतना वेलफेयर हो गया, इतना हो गया, ताकि हमारे कुछ आदमी जो है जो गांव में रहते ना, या उनको दिमाग में आ जाए भाई बीजेपी ने तो बहुत कुछ कर दिया, या फलानी कंपनी ने बहुत कर दिया, या तो कांग्रेस ने ये कर दिया, देखो हमारे को इतना ये उन्होंने दिला दिया, ये मिल रहा है, उनको बहम हो जाता तो बहक जाते हैं वो। फिर वोट की राजनीति है ये, इसमें बाकी कहीं कुछ नहीं मिल रहा, आपको इस चक्कर को भूल जाओ। क्योंकि आपको एक छोटा हमें उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी जो है ये ORFP का जो बोल रहे हैं ना कि जुलाई 2019 में जो ये बोल रहे हैं कि भाई इतना लाखों का फायदा होगा, इतनी पेंशन बनेगी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार न तो सेकंड रिवीजन करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन जो सरकार ने दी और जो 2.57 का जो फैक्टर लेके आई और जो अधिकारी को 2.81 दी, अगर सेकंड रिवीजन लेके आती तो सरकार मारी जाएगी, सरकार की पोल पट्टी पट जाएगी। दूसरी बात, जो रक्षा बजट है उसका 80% खर्चा वेतन और भर्तों पे हो रहा है, हम दो फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से, एक तीसरी और आफत आगी, वो आगी तालिबान, तो हमारे पास में उस हिसाब नहीं है। क्योंकि आप एक चीज देखो, जो चाइना बॉर्डर पे 2 साल हो लिए, जहां कुछ सैनिक रहते थे, वहां भी लाखों की स्ट्रेंथ होगी साहब, तो उसका खर्चा कहां से चलेगा, रक्षा बजट से ही तो चलेगा, तो सरकार देगी कहां से पैसा, सरकार के पास में कहां पैसा है, कोई पेड़ थोड़ी है कि वो दे देगी। दूसरी बात, साहब भी सेकंड रिविजन में ये बोल रहे हैं कि बहुत लाखों का फायदा होगा, आप कोई ऐसा डाटा दे सकते हो जिससे आपको बता दो कि नायक सूबेदार सूबेदार ओन इसको सूबेदार में जरूर, क्योंकि ये आदमी सूबेदारों को ज्यादा चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी एक आप लोगों को मालूम है, एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, मतलब जैसे व्हाट्सएप पर आपने पढ़ा होगा कि भाई जो है ये जो ORFP का जो ना सेकंड जबल जब अभी जो है 2019 से लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट में केस है, ये जो है कोर्ट का कोर्ट क्या करेगा, जब गवर्नमेंट जब 2019 में लागू करने के लिए पास हो चुका है, कोर्ट ये थोड़ा बोल रहा है कि भाई अब तुम सेकंड इसको बढ़ाओ, कोर्ट में केस सेकंड रिवीजन का थोड़ी है, ये जो है ना ये बड़ी सोच समझ के आप लोगों को भड़का रहे हैं, जो भी ये मैसेज छोड़ रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए रिवीजन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, रिवीजन पे थोड़ी केस चल रहा है, ये सिर्फ आप लोगों को बहकाने के लिए एक जनमल जो कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं है, उसका जो कर सकते हैं, मगर इन्होंने करना नहीं, इनको एक बहाना मिल गया। हाँ। जो कि यार ये वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे जर्नल बनल ये वही पॉइंट वही भेज रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं, अगर भाई गवर्नमेंट को बचाने के लिए यार, अकबर जब गवर्नमेंट से नाराज ना हो और ना हो, अगर जो एक बहाना बना दिया उसका, और कोई मतलब बेवकूफ बना रहे, बाकी लेटर का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है। आप ये बताओ, मान लो सूबेदार है, मेरे पास में भी ज्यादातर सूबेदार सूबेदार नायक सूबेदार 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 मेजर के फोन आते हैं, अगर सेकंड रिविजन होगी, पहली बात तो होनी नहीं सेकंड रिविजन, तो सेकंड रिविजन में एक नायक सूबेदार को कितना बेनिफिट हो रहा है? देखो भाई सबसे पहली बात तो है ये जो सेकंड रिवीजन होना ही नहीं यार, खासकर इस गवर्नमेंट का जब तक ये पीरियड रहेगा इसमें तो होना नहीं, आगे नई गवर्नमेंट आओ चाहे वो किससे ही नहीं किया हो, तो दूसरी बात से इस दौरान अभी तो कुछ होना नहीं, पर जो है ना सेकंड ORFP का जो रिलीज हो भी की उसमें जो है JCO को जवान को हमारे को कोई बेनिफिट है उसका, आपको मैं PPO लिए बैठा हूँ और मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ, जो पहले का जो नायब सूबेदार था वो 26,741 रुपए ड्रा कर रहा है पेंशन 2016 से पहले का, और आज की डेट में जो ले रहा है, आज की डेट में ले रहा है, ये ले रहा है 26,741 रुपए, और जो अभी JCO आ रहा है अभी जो 3 दिन पहले का EPPO है मेरे पास में, और उसमें जो पेंशन मिल रही है उसको 24,400,
अबे लगा लो कितना भाई 2341 रुपए का डिफरेंस है। पुराने वाला ज्यादा ले रहा है और नया जो रिटायरमेंट आ रहा है वो कम ले रहा है। तो अभी नायक सूबेदार 2300 कितने बताए 41 रुपये 26741 नायक सूबेदार पहले वाला ले रहा है और अभी वाला ले रहा है 24400। तो इसमें वो आरोपी का कोई रोल ही नहीं रहा उसका। अभी जो आरोपी लागू भी करेंगे नई सिरे से तो उसमें क्या करेंगे, तो पुराने वालों के साथ में ये नए वालों को मिला देंगे। नहीं मिला नहीं सकते क्योंकि पुराने वाला पहले ले रहे हैं, नए वाले को कैसे मिला देंगे? पुराने वाला नए के साथ में सकता, पर नए की पहले ही कम है, ऐसे कैसे मिला देंगे? नए की पहले ही कम है आपको मालूम है। तो इसका वो आरोपी का जेसीओ जो आज के लिए तो कोई रोल ही नहीं रहा। हाँ ऑफिसर के लिए बेनिफिट है क्योंकि जैसे अभी जो है उनको जो अगर सेकंड वाईपी हो जाएगी तो पहले तो मेजर जनरल था वो जो है कम तनख्वाह पेंशन ले रहा था, एक ब्रिगेडियर से जनरल से कम ले रहा था, कर्नल से कम ले रहा था। अभी इन्होंने 3 दिन पहले एक फैसला आया है, इन लोगों ने आपको मालूम है जिन्हें कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उस फैसले को मान भी लिया। इब उनका जो है 2.81 लाख है। अभी पहले जैसे एक कर्नल ले रहा पहले ले रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल 84430, पुराने वाला जो है अभी वाला ले रहा 94100। तो अभी इनको 5670 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा इसमें जो है सेकंड अगर वार पी रिलीज होती है तो। उसी में फिर फुल कर्नल को 90542 रुपये मिल रहे थे, अभी जो है 1,03,650 ये जो है ना अभी इन इसमें हो जाएगा, तो 13,000 का बेनिफिट जा रहा है इनको। उसी में फिर ब्रिगेडियर को 1,95,797 मिलता था, अभी उसका हो जाएगा 1,07,300, मतलब 11,503 का फर्क रहेगा। इसी पर मेजर जनरल है उसको मिलता था 99,621 और अभी जो है मिलेगा उसको 1,09,100, मतलब 9,479 रुपये का बेनिफिट उनको जा रहा है। तो उन्होंने तो अपना ले लिया सब कुछ। इसमें एक चीज और आपने पकड़ी साहब कि जो आज जो ब्रिगेडियर रिटायरमेंट आ रहा है वो 1,73,000 रुपये के करीब पेंशन ले रहा है। 1,73,000 जो 2016 का जो 2016 से पहले का जो मेजर जनरल है वो 99,621 रुपये ले रहा है। तो उसको देखो ये है क्योंकि जो एक रैंक नीचे है मेजर से वो ज्यादा पेंशन ले रहा है, तो ये समानता तो नहीं है ना। ये जो ये अगर कोर्ट में भी ये जाएंगे और अगर एक मेजर जनरल कोर्ट में जाके ये बोले कि भाई मैं एक ब्रिगेडियर से कम कैसे पेंशन ले सकता हूं, ये 2.81 का आया इसमें, ये 2.81 जो दिया गया ना ये उसकी वजह से जवानों का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है इसमें। अभी और इसमें अभी आप अपने विचार से ही देखो, अगर जो एक जेसो ही है और हौलदार उससे ज्यादा पेंशन ले रहा है तो कोर्ट में जाएगा तो ऑटोमेटिक केस जीतेगा। अब भाई मेरा रैंक ये था, इसका जो ये है ये मेरे से ज्यादा पेंशन कैसे ले रहा है, तो मेजर जनरल ने जीत रहा था, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जो है ना एक्चुअली उसके पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ पुट हो रहा है। अभी जो है जेसीओ जो लोग नुकसान क्या है आप ये बताओ, जो पहले ही भी अब जो नए आ रहे हो 24,000 ले रहा है, पहले वो 26,000 ले रहा, घटा तो सकते नहीं, पेंशन जो है आपने एक बार ड्रा कर ली उसको कम नहीं कर सकते हैं। चलो सर मैं तो ये आपको क्लियर है इसमें, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, लोगों के बहकावे मत आओ। दूसरे जो ये आप जो ये बढ़ा रहे हैं ना आपका जो अलग अलग चैनल इसके यूट्यूब वाले, ये जो पहले अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं अगर भाई मेरे को इसमें मैं मदद करो उसके बाद मैं आपका केस लड़ूंगा फला लड़ूंगा, ये सब है, ये सिर्फ पैसे कमाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने, बाकी किसी गाड़ी ने कोई नहीं जानता और कुछ नहीं कर सकते। तभी हो कोई चीज तभी हो सकती है जब आप साथ हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। कैप्टन साहब की 3 मुलाकात आज तक इतिहास है देश में पूरे में, कैप्टन साहब की 3 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में हुई है और इन्होंने हमेशा सिपाही को और होलदार को सबसे आगे रखा जब भी ये बात करते हैं, और ये हमेशा बोलते कि यार ये रीढ़ की हड्डी है सेना की, मतलब हम इतने ज्यादा नहीं है, मतलब काम करनी है ये है और बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन पे खड़े होनी है ये है, गोली खानी है, हम तो कमांड करते हैं। देखो भाई हमने तो देखा हुआ है, आंखों के सामने देखा हुआ है, एक आपने कब देखा, बहुत ज्यादा सम्मान, कहां भी मुंह करते हो कहीं भी करते हो, आपके साथ में कौन होता है, जेसीओ होता है, होलदार होगा, एनसीओ होगा, उसके साथ में ज्यादा एक नया गया होगा बेचारा कैप्टन या लेफ्टिनेंट, वही देखा आपको वही गाइड करता है, मलकल को उग्रवादियों के सामने जा रहे हो उसके साथ मुंह कर रहे हो, ज्यादा आपको कैप्टन मिलेगा नया, उसको बेचारे को पूरा नॉलेज भी नहीं होती कुछ, जेसीओ वही गाइड करते हैं। अच्छा उनमें मरने वाले भी कौन है, हमारे जवान जेसीओ, वो बेचारा जो अनजान एक जो है अगर नया नया अफसर गया है
गाइडलाइन तो उसको मिलती नहीं, कभी कभी वो घमंड में आ जाता कि मैं तो अफसर हूँ तो क्यों मानूँ, और वही मौत के मुँह में जाते हैं क्योंकि उनको तो गाइडलाइन ही है। ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, सब अलग, हर एक आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग होती है, पर मैंने ज़्यादातर केस ऐसे ही देखे हैं, नुकसान तभी वही उठाते हैं। नहीं बाकी आपको देखा है हमारे हरियाणा में ही लगभग हर दूसरे तीस दिन कोई ना कोई बॉडी आती ही रहती है, फौजी अभी भी जवानों की जन किसी के लाले क्यों, अफसर तो उससे बंगले से बाहर निकलते ही नहीं, और जैसे मुझे आता है खासकर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया उसका तो कोई रोल ही नहीं, वो तो आप देना हेडक्वार्टर से मतलब ही नहीं कहीं जाने का, जाए भी गा किसी पोस्ट पर जाएगा तो जाते ही उधर पहले से प्लेट सजी हुई होंगी, नीचे उतरने को लेने के लिए कोई कह रहा है कोई कुछ ले रहा है, सिर्फ जो उनको पता कि न बैठे जवान तो अपना सामान लेके बेचारा जो पोस्ट पर चढ़ता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम है वही जानता है, और हमने देखे हो क्योंकि मैं जवान से गया, हमने देखा है ना वो भाई किसको क्या परेशानी। ये मिलिट्री जो मेरे याद आ गई मिलिट्री सर्विस पे फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, मिलिट्री सर्विस पे किसकी होनी चाहिए? एमएसपी का मतलब जो है एक जमला यही दिया था भाई, जिसको ज्यादा खतरा है उसकी एमएसपी ज्यादा होगी। अगर मैं ये कहूँ 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये आपने बांटने हैं तो आप सबसे पहले मतलब 15,000 रुपये सिपाही को कितना दोगे, होलदार को कितना दोगे, और ऑनरेडी मतलब सूबेदार को कितना दोगे, अफसर को कितना दोगे? भाई देखो मैं अगर आपके हाथ में ये फाइल हो, अगर मेरे आप वित्त मंत्री हो हाँ, तो आप सबसे पहले जवान की कितनी करोगे? मेरे हाथ में तो फाइल हो ना हाँ, तो मैं बल्कि जनरल जवान की भी काट लूंगा, किसकी, जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं या उनको बैठे जो दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, उनको क्या जरूरत है भाई मेरे को, हाँ जो सहायक है उनको क्या जरूरत है मेरे को ये बताओ, उनको दूंगा मैं जो बंदूक लिए बेचारे खड़े हैं, जो ऊपर से बर्फ कितना लग रही है उसको, जिन्हें हवा चल रही है मुंह फूट रहा है और वो कर रहा है, वो तो उसको तो बेचारे को मिल रहे हैं कितने 5200 रुपये, और जो आप कितना दोगे फिर आप कितना करोगे उस जवान की? मैं बोलता हूँ 10,000 से कम तो कोई मतलब नहीं जवान के देंगे, बाकी जो 5,000 रुपये वो बचते हैं उसे किसी को दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सीधी बात यह है कि जवान की 10,500 करके और 5,000 आप सूबेदार और अफसर की कर रहे हो, में बांट दो कोई बात। मतलब भाई अगर साहब वित्त मंत्री हो ना या रक्षा मंत्री हो तो ये बोल रहे हैं कि जवान को मैं 10,500 रुपये मेरी कलम चले होलदार तक, और उससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो भी कर्नल रैंक तक ही, वो भी कर्नल तो उससे ऊपर नहीं, कर्नल तक भी हेडक्वार्टर में, चलो सीओ हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में रहता है, और बाकी को आपको मालूम है कौन पोस्ट में जाता है, तो 5200 रुपये साफ कह रहे हैं मैं उसको 5200 रुपये दूं क्योंकि काम हुए इतना ही करती है। सिविलियन नहीं को नहीं मालूम है, हम तो यार रह चुके, आप लोग बहुत ही सब जानते हो भाई कौन कितना काम करता है, आप करता है अपने कैप्टन रैंक को भी, ऑनरेडी कैप्टन को भी 5200 दोगे, उनको क्या जरूरत है बताओ, हेडक्वार्टर में बैठ रहे हैं उन्हें क्या करना, बस जा सीओ जागा तो उसके पीछे पीछे सुधर में भी हो लेगा ना, तो जा रहा है उसकी भी जरूरत को नहीं बताओ, एसएम करो उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, एसएम को और कैप्टन की तो बोल रहे हैं मिलनी नहीं चाहिए, चलो मैं इस चीज में नहीं पड़ता साबित, मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, देखो आपको एक 10,000 मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा भाई, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, उसमें हो सकता है जो ना हमारे जो ना मेरे साथ में नौकरी भी करी हुई है कईयों ने, मैंने सिनेरियो ने किया है, वो बुरा भी मान जाएंगे, सही बात ये है जो हॉस्पिटल में जिसको हॉस्पिटल से आगे पोस्टिंग ही नहीं, अरे उसको 10,500 उसको बताओ क्या खतरा है, जो हॉस्पिटल में ठाट से रहते हैं और करते, और जो बेचारा जो बॉर्डर पर खड़ा है उसको जा रही है कौन सा जन्म क्या जन्म ले रहे बंद ही कर दो, साले एमएसपी दो मत दो, बिल्कुल मत दो, जो वो है जिसके पास जन्म ला दिया तो नॉर्मल बात है, जो अपने अकॉर्डिंग टू उसके जरा दो, तो इसलिए भाई जो सच्चाई कहने में सबको दुख होता है, सच्चाई सुनने में भी जो ना आदमी की जो ना वो कहते हैं ना काने को काना कह दो, एक कहावत है हमारे यहाँ, काना को काना कह दो तो बुरा मानता है, उसको नैन सुख बोल दो तो खुश होता है, अभी भाई बढ़ाई हमारे अंदर तो आदत है नहीं, अननेसरी किसी बढ़ाई करना या अननेसरी उसके जरिए चमचागिरी करना, हमारा ना हमने सर्विस में सीखा और ना ही सीखा, किसी पीछे खड़ा होना हमने सीखा नहीं, और जो देना है जो आपको मिलना है वो कहते समय से पहले किस्मत के बगैर कुछ नहीं मिलता है, आप कितना ही कोशिश कर लो जो आपके कर्मों में मिलता है वो आप कर्म अच्छे करो, मिलेगा तो भगवान अच्छी बात है, ना मिलेगा तो चलो साहब मैं सभी जानकारी में मैं एक चीज और आपसे एक कड़वा सवाल है, कहीं आप ये तो नहीं है कि आप भड़का रहे हो जवानों को? भड़काने का क्या मतलब, ये आपको संविधान इतना हक देता है? भड़काता कौन है जिसको पर्सनल बेनिफिट उठाना हो, ये आप लोग बता दो भाई, आज तक हमने कोई पर्सनल बैठी, मैं तो कहीं भी नौकरी रिटायर होने के बाद कहीं नौकरी भी नहीं, व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं किसी से, व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, या जो भाई मैं अपने नौकरी के चक्कर में अपना बना भाई मन कितने मिल गया, बिल्कुल पर्सनल, देखो भड़काता वो है जिसको पर्सनल बेनिफिट हो या
या कोई नेता हो जिसने वोट लेनी हो या और कुछ ना हो, ये पता हमने क्या लेना किसी को भड़का के। ये था दिमाग में, यही बात आई थी भाई, रिटायर होने पहले तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके बाद में फिर मैं कई साल बिजी रहा इसी चक्कर में, बस देखा हमारे जवान जैसी उसका कुछ वेलफेयर हो जाए, अच्छी बात है, कल को जिन और बच्चे हैं कम से कम और कुछ नहीं, तो ये तो कहेंगे भाई कोई तो हमारे लिए लड़ा, बात तो ठीक है, जरूरी नहीं कि कहने से हमें तीन बार मिलाया, पॉइंट भी दे दिए मैंने, जो उसको रक्षा मंत्री को दे दिए, और ये कह नहीं सकते कि मेरे कहने से वो कर ही देगा, नहीं हम ये कोई गारंटी नहीं लेते कि हमारे कहने से वो हो जाएगा, मगर जो है एकता में जो है बल होता है, अगर इकट्ठे रहोगे आप लोग साथ दोगे तो जो है, अभी नहीं तो जो है कम से कम आप लोग नए लड़के आ रहे वो जागरूक होंगे और आगे अपने हक के लिए लड़ना सीखेंगे, तो हमारा तो यही है कि भाई अपना लड़ने की कोशिश करो, अपना हक खुद मांगो, किसी के थ्रू मत मांगो। आप एक बात और कह रहे थे कि संविधान हमारे को हक देता है कि जैसे रेलवे की यूनियन लगा लो या बैंक की लगा लो या रोड महकमे की यूनियन लगा लो, सरकार की कुछ जो अध्यापक की है, बिजली विभाग की है, रोडवेज वालों की है, उनके निचले कर्मचारियों की यूनियन अलग होती है, और जो उनके फर्स्ट हैं, जो आईपीएस आईएएस है या पुलिस विभाग के लगा लो आईपीएस, उनके फर्स्ट क्लास के अफसरों की यूनियन अलग होती है, ये सब आप बता रहे थे कि ये इनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसका मैं खुद भी जवाब देने के चक्कर में था एक बार, जो है ना इसका जो आपने पूछा है भाई जवान जैसे कुछ आदमी जो है ना, हमें भी अफसर भी फोन भी आते करते भाई आप लोग जो है जवान जैसे अफसर में जो फूट डालते हो, आप लोग जो है मल ये करते हो, तो आप एक बताओ, सबसे पहले यूनियन बनाई थी, सबसे मालूम है दिल्ली में यूनियन है, आप सबके अलग से यूनियन है, सबसे पहले इन्हीं ने बनाई थी ना, हमने तो नहीं बनाई अलग से अपनी, हमें तो अब थोड़ी बहुत शिक्षा मिली, इन्हीं से शिक्षा मिली तब हमने अपना जो है एक अलग से ग्रुप बनाया जेसीओआर का, ये जो यूनियन है वो सबसे पहले हमने बनाई थी, हमने अलग से नहीं बनाई, हम तो इन्हीं के पीछे थे बोलने वालों में, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर इंस्टीट्यूट एक तो वो है जो यो डीएसओआई बोलते हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन भी है, दो है ये दो यूनियन ने पहले से बना रखी है, इसके अंदर मेरे हिसाब से ना कोई जवान और ना ही कोई जेसीओ रैंक, नहीं नहीं आपको सदस्य नहीं ले सकते, आपको सदस्य नहीं तो आप वहाँ घुस भी नहीं सकते हो, इस बात को छोड़िए, रिटायर्ड होने के बाद में भी नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते उसमें आप जा भी नहीं सकते, तो नॉर्मल उसको दूर क्यों जाओ, दिल्ली वाला तो बहुत दूर है, तो रोहतक में ये क्लब बना रखा है, आप बताओ कितने जेसीओ आर उसमें जाते हो, जो धोड़ाकुआ पे डीएसवाई बोल रहे हैं ना साहब, कि धोड़ाकुआ पे जो डीएसवाई है तो ये बोल रहे कि उसके अंदर हम जा नहीं सकते, जवान जैसियों को रूम नहीं मिल सकता, उसमें खाना नहीं मिल सकता, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो साहब ये तो आप कहीं ये बात झूठी हो, ये सच है, हमें पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई कहता है कब अफसरों के खिलाफ, हम किसी के लिए, हम सिर्फ एक बात कहते हैं अफसर को, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आइए आप, मतलब जो है स्टेज पर चढ़कर जो है मतलब नेता मत बनो, हमारे साथ बैठिए, हम आपको मोस्ट वेलकम, आपको भी साथ देंगे, हमारे साथ बैठकर आप जो है अपने उसमें आइए, हम आपका वेलकम करेंगे, हम तो जो है कुर्सी और दरी बिछाते रह जाए और यहाँ के नेता बन जाए, और सीधा कोई जो है गवर्नर बन के जा रहा है, कोई कुछ बन के जा रहा है, यूनिट साझा ठहते हैं, तो वो अभी हम नहीं होने देंगे, खासकर हरियाणा कोशिश करेंगे हम ये नहीं होने देंगे। रंजन सर राम राम आपको भी। अच्छा सर मैं एक चीज और है लास्ट में, अगर मान लो आपका ये वीडियो है, ये भाई जो अपने सैनिक भाई देख रहे हैं और ये शेयर कर देते इस वीडियो ने, और आपका कुदरती माननीय प्रधानमंत्री के पास में पहुंच जाए आपका वीडियो, माननीय रक्षा मंत्री के पास में पहुंच जाए, या जो न्यायपालिका के जो माननीय जज साहब उनके पास में पहुंच जाए, या जो सिविल के बाबू है, कोई सामाजिक संस्थाएं उनके पास में पहुंच जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट आज बोलना चाहते हो, मतलब जो जवानों जो हमने बहुत जरूरी है कि जैसे सहायक है प्रथा की, भाई चलो पैसा पेमेंट तो एक अलग चीज है, तो ऐसी कौन सी प्रार्थना कर सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय रक्षा मंत्री से, माननीय जजों से, कि आज हम दो फ्रंटों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके अंदर भी हमारी सेना में से 2 या 3 लाख आदमी दिल्ली में कहीं और हैं, अफसरों के कुत्ते बिल्ली घुमा रहे हैं, अर्दली का काम कर रहे हैं, उनका जो लड़ने की एक बहादुरी है उसके मनोबल को भी गिरा रहे हैं, जो भी है जैसे डिफेंस मिनिस्टर है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ भाई, हम ये अगर कुछ आदमी बोलते हैं कि देखो सहायक जरूरी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सहायक में तो अलग से भर्ती शुरू कर दो, जो आंटे पहले बता दो भाई आपको उधर सहायक का काम करना पड़ेगा, आप उधर जाइए और भाई जो सहायक करेगा उन्हें उसी के लिए स्पेशल भर्ती कर दो, साथ कर दो, हमें कोई परेशानी, रिक्वेस्ट बताओ सब है, अभी हमारी ये रिक्वेस्ट ये है जो अभी अभी मतलब सेना को देखते हुए देश की
देश की मतलब भारी दुश्मनी तक तो देखते हुए आज अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे टोटली जो है 12 लाख 13 लाख जो फौज है उसमें से 50% तो जो ना घरों में बैठे हैं, कोई सहायक में बैठा है, कोई जो है जलंधर में मैडम मैडम रहती है वह सेपरेट क्वार्टरों में तो उधर रह रहा है, और जो है ना बेचारा जो ऑन ग्राउंड में घुटने पे लगा रहा है, और जो केडरों में मैंने देखा हुआ केडर कर रहा है वो जो ऑन ग्राउंड है वो तो फेल हो गया, कर दिया होगा नहीं कर दिया, और जो जलंधर में बैठा हो एक दो दिन के लिए है और केडर भी पास हो गया, जेसीयू भी बन गया, जेसीयू बन गया। तो आप ये बताइए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर 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 जो है फौज को जो चलाना है, अगर जो है देश में सबको वफादार देश के लिए लड़ना मरना चाहते हैं जवान हमारा जो सब यही एक इच्छा लेके जाते हैं कि मैं भाई फौज में भर्ती हो गया मैं देश के लिए लड़ूंगा, और उसको जाते ही भेज देते हैं किसी सहायक भेज देते हैं किसी के बातें, नया लड़का जाते ही उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि मैं हुआ तो भर्ती इसलिए था कि मैं देश की सेवा करूँगा, ये तो मैं पर्सनल किसी की नौकरी कर रहा हूँ कहे वो मैं जा रहा हूँ। तो अभी आपने देखा, मैं इधर भी देखा हूँ, एक महीने में 4 बॉडी आली जो डेथ बॉडी हमारे जवानों की, वो सिर्फ क्या है उसके पीछे आपने इन्वेस्टिगेशन भी किया है, ज्यादातर उन्हीं में केस था, 2-3 केस था आत्महत्या करके आए हैं, आत्महत्या भी कैसे की है, जबरदस्ती उसको सहायक भेज दिया। अभी मैं तो एक रिक्वेस्ट और इनसे भी करना पड़ा, जो खासकर हमारे सुबेदार मेजर, मैं भी रहा हूँ सुबेदार मेजर, सुबेदार मेजर ये इनसे, अरे अपने ऊपर पंगा क्यों लेते हो, जबरदस्ती क्यों भेजते हो, जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है उधर जाने के लिए उसको आप जबरदस्ती क्यों भेजते हो, अपनी नौकरी बनाने के लिए किसी के घर के चिराग को क्यों गिरा रहे हो आप लोग जो है ना। और अभी भी देखा आपने केस हुआ पंजाब वाला, उसमें जो है अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किसकी बैठ रही है, सुधार मेजर की, रोलदार मेजर की, और मैंने तो कहा ही नहीं, बोला मेरे पास भेज दो, बड़ा ऐसे हमने भेजा है उसमें भेजा, अरे तुम लोग क्यों जो है मतलब, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, मैं ये नहीं बोलता उनके अंदर, कमी हमारे अंदर है, जो हम गलत गाइड करें बच्चे को, जो गलत करें जिसको भाई नहीं करनी नौकरी या जो, और गलती सबसे बड़ी गलती उन लड़कों की है जिन्होंने आत्महत्या की है। मैं तो एक चीज़ हूँ, आप इसको से कुछ भी कहो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, अगर मैं किसी वजह से परेशान हूँ या अपनी आत्महत्या, मैं ये भी सोचता कि मैं अपने आत्महत्या के बारे में सोचना चाहिए, उसको अपने माँ बाप के बारे में, माँ बाप के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, आत्महत्या कोई इलाज नहीं है। सैनिक तो बहादुर होता है साहब, और अगर आपको बहादुर अगर सब सोचते मैं तो आपको मरना कोई समाधान नहीं होता है। आपका वीडियो पूछे कि इस पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, कि माननीय प्रधानमंत्री भी सेना को सलाम करते हर बार 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे बड़ी 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 अच्छी अच्छी देखो जी, मैं हाईकोर्ट के जज से भी बात कर यही कहना चाहता हूँ, जज माने जज से भी यही बात करना चाहता हूँ, जो CM है उनसे बात करना चाहता हूँ, और इसी में आपके PM से भी, जैसे अभी एक पॉइंट चल रहा है आप लोग हर बोल रहे हैं ब्लॉक के धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबरदस्ती कर दिया फलाना कर दिया, तो मतलब ये है तो जबरदस्ती मत करो, जो सहायक भेज रहे हैं ना ये गलत, इसको बंद कर दिए, ये जबरदस्ती किसी को सहायक मत भेजिए, उसका अगर नहीं भी अगर रोक लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और जो जबरदस्ती भेजता है जैसे कानून बना रहे हैं अभी के धर्म जबरदस्ती जिसका धर्म परिवर्तन करते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, इसी मापिक फौज में भी अगर जबरदस्ती किसी को सहायक भेजा जाता तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका प्रमोशन रोक देना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का उल्लंघन है समानता का, कि एक आदमी दूसरे आदमी को गुलाम नहीं बना सकता, ये संविधान बोलता है कानून बोलता है कि कोई अपने घर पे रख के उसके जूते पोले से कुत्ता घुमाना ये करना। आखिरी में एक ही बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर मेरे जवान जैसे भाई से यही बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होगे, दूसरों के पीछे घूमते रहोगे और ये सोचते तुम्हारा भला कोई दूसरा ही कर देगा, जिसके पीछे होगे वही कर देगा, तब तक कोई पॉसिबल नहीं है। आप अपना आप खुद मांगना सीखो, आप अपने लिए खुद लड़ोगे तभी कुछ मिलेगा। हम तो ज्यादा इसीलिए जो है मैं तो काफ़ी परेशान होकर जो है ना मैं परेशान हो लिया था, क्योंकि किसी से बात भी करते ना हमारे जवान जैसियों से तो उनकी बातें सुन सुनकर जहाँ पर जाओ उनके बस चलो फलानी जगह चलेंगे। कई मैंने ऐसे देखे जैसे मेरा जो कभी कभी कैंटीन में भी जो है तू मैं हो जाती है, तो देखो नॉर्मल बात आप हक बोलोगे तो अगला भी जवाब देगा, मगर ऐसे महापुरुष हैं जिसके लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं मांग रहे हैं भाई, हमें तो गवर्नमेंट ने जो देना है हमारे तो किया, मैं तो अपना खुद के लिए बोलता, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा मेरी चीज़ बढ़ता जो उसको रोक दे, मैं तो ज़बरदस्ती छीन लाऊंगा, मैं इतना दम रखता हूँ, मगर जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही आदमी पीछे हट जाते हैं और चले जाते हैं, उधर अकेला में झगड़ा करता रहो, क्या मीनिंग है मेरे ये समझ में नहीं आती। तो आप पढ़ तो कर सकते हो,
भाई बाकी अपना सपोर्ट तो कर सकते हैं भाई, हमारे लिए मांग रहा साहब, ये अपने लिए नहीं मांग रहा। अब लास्ट में मैं इसको साहब समाप्त करता हूँ। अपने जो जेसीओ रैंक है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, कैप्टन है, उनको क्या कहना चाहते हो? रिटायरमेंट होने के बाद में जो आए हुए उनको क्या कहना चाहते हो? थोड़े मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने आप को जो है ना ये मत सोचो मैं सूबेदार हूँ या भाई ऑनरेरी हूँ या हूं। आप लोग हो सीनियर सिटीजन अगर देखो जवानों के लिए आगे आके उनको लड़नी चाहिए, उनके आगे लड़ना चाहिए और अपने उनको जो सीनियर जो सिपाही भी है ना उनको लेके आगे ले जाके उनकी रिस्पेक्ट आप उनको गाइड करो, आप करने के लिए उनको मतलब आगे कर दो और आप उन्हें साथ में बताते रहो कभी आपका हक ये है ना, आप अपना हक मांगो मतलब सरकार से तभी वो मिलेगा। या मैं आगे चला जाऊंगा तो मैं तो यही बोलते नॉर्मल बात है, चलो मैं एक सभी नहीं होते या जैसे से भाई नॉर्मल बात है, ऑफिसर तो ऑफिसर की मांगेगा, जेसीओ के लिए मांगेगा। आप लोगों को एक मालूम है IASL ने जो बीच में एक लेटर दिया था कि जो MSP के लिए कि जो है इसकी जेसीओ की जो बढ़ानी चाहिए, वो किसमें वो फूट डालने का तरीका था और कुछ नहीं। भाई जेसीओ जवान इकट्ठे हो रहे हैं तो इन जेसीओ जवान में भी आपस में बढ़ा दो इनको, तो एक अफसरों की वो चाल थी, हमें नहीं चाहिए। मैं तो बोलता नहीं मिलना चाहिए, जन मतलब जवान जैसी वो जितना है उतना कर दो। हम ये भी नहीं कहते कि हमें हमारी बढ़ा दो, मगर इसको एवरेज तो कर सकती है गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो नॉर्मल बात है जिसका 15,500 है उसको उसमें से घटा के तो सिपाही की बढ़ा दो। चलो भाई आज बहुत बढ़िया बात हुई, फिर राजेंद्र साहब से इतनी ही, हम तो प्रार्थना करेंगे कि ये जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है 4-5 साल में जवानों को आगे लेके, हमेशा ये सिपाही से उद्धार की बात करते हैं, बहुत ही कम रिटायर्ड JCO ऑनरेडी कैप्टन मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे और काबिले तारीफ है, ये हमेशा सिपाही और उद्धार को आगे करते हैं और भाई ले जाते हैं। तो हम तो इतना कहते हैं जितना इन्होंने समय दिया है तो कुछ समय और दे जवानों को, और जहाँ भी बात ये रक्षा मंत्री तक पूछा के आए हैं, जवानों की मांग पत्र दे के आए हैं, तो जवानों को और जागरूक करें और अभी संन्यास ना लें तो भाई अच्छी बात। दूसरा भाई देखो ऐसा है जब अभी मतलब आगे चल के जो है मैं उधर तक लड़ता रहूँगा को करूँ देना के लिए इतनी हिम्मत नहीं है, आप लोगों के साथ चलूंगा कहीं भी ले चलियो, चाहे कहीं भी किसी भी चीज़ पर, हमें ये नहीं मतलब हम तैयार रहेंगे आके आपको जो है समर्थन देने के लिए वो सब चीज़ों के लिए, आपका मांग के लिए जो हमारी जितनी नॉलेज है उसके मतलब। अभी जो भी मैंने आप लोगों को बताया या कहा है इसमें कुछ अगर भाई साहब ऐसा वर्ड भी निकल गया, क्योंकि देखो जो गुस्से में या जोश में ये मेरे पर्सनल विचार हैं, अलग हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, मेरे पर्सनल विचार हैं, कई दिन और को मेरे पर जो है अगर कोई गलत वर्ड भी निकला गया हो तो उसके लिए मैं भाई आप लोगों से नहीं व्यक्ति विशेष कहते नहीं और ऊपर वालों से तो अभी मैं एक्स्ट्रा मांगूंगा। हाँ मेरे जवान जैसे भाई से मैं एक्स्ट्रा मांगता हूँ, अगर उनके बारे में कोई वर्ड ऐसा निकल गया तो उनके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।